सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजी सिनेमैटिक आइडियाज़। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, थोड़ी सी अलग भी होने वाली है, बिकॉज आज मैं व्लॉग स्टाइल वीडियो को शूट कर रहा हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मॉर्निंग के टाइम मैं यहाँ पे आया हूँ, बहुत ही कमाल की लोकेशन है। और आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। अगर आपके पास सिर्फ एक DSLR कैमरा है, कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, जस्ट आप अपना DSLR कैमरा यूज़ करके कैसे लोकेशंस को यूज़ करके फेक कैमरा मोमेंट क्रिएट कर सकते हो, सब कुछ डिटेल देने वाला हूँ। और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, चलिए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो फाइनली आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम DSLR कैमरा के साथ फेक कैमरा मोमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि मॉर्निंग का टाइम है और काफ़ी अच्छा अमेजिंग व्यू है। अगर आप चाहते हैं कि अपनी वीडियोस के अंदर क्रिएटिविटी लाना, तो आपको मॉर्निंग या इवनिंग के टाइम वीडियोस को शूट करना चाहिए। और जैसा कि विंटर का टाइम है, तो काफ़ी अमेजिंग मुझे लोकेशन लग रही है। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप DSLR कैमरा का सिर्फ यूज़ करके, लोकेशंस को यूज़ करके आप कैसे फेक कैमरा मोमेंट क्रिएट कर सकते हो। तो चलते हैं सबसे पहली लोकेशन पर और देखते हैं किस तरीके का हमें मूव देखने को मिलता है। सो फाइनली आज की इस वीडियो में मैं यूज़ करने वाला हूँ सोनी अल्फा A6000, ठीक है। और जो मेरा कैमरा, उसको यार मैं बाहर निकाल लेता हूँ, बिकॉज मैं थोड़ी सी व्लॉग स्टाइल वीडियो को शूट कर रहा हूँ। तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये व्लॉग किस तरीके का लगा, और अपने रिव्यूज़ भी शेयर करा करो। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो आप, ठीक है। तो जो मैं कैमरा यूज़ कर रहा हूँ वो है सोनी का A6000, ठीक है। और इसके साथ मैं यूज़ करूँगा, इसके साथ जो है किट लेंस ही है। और मैं कोई भी हाईफाई इक्विपमेंट यूज़ नहीं करूँगा, कोई भी प्राइम लेंस यूज़ नहीं करूँगा, बिकॉज सबके पास स्टार्टिंग में प्राइम लेंस नहीं होता, किट लेंस ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यार इसकी बैटरी लगा लेते हैं। और यार मैं अपने साथ ना दो बैटरीज रखता हूँ हमेशा, बिकॉज कई बार क्या होता है कि जब हम वीडियोज़ को शूट करते हैं ना, तो आज का जो फ्रेम रेट होगा वो 60 FPS होगा, और जब हम हाईर फ्रेम रेट पर शूट करते हैं वीडियोज़ को, तो बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन करता है हमारा कैमरा। तो सबसे पहले मैं अपनी बैटरी को लगा देता हूँ और इसको ऑन कर लेते हैं, ठीक है। और कैमरा मेरा रेडी हो चुका है, चलते हैं लोकेशन के ऊपर। सो सबसे पहले जो मैं लोकेशन यूज़ करूँगा वो यहाँ पे करूँगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरे ऊपर सन का इम्पैक्ट आ रहा है, मीन्स कि सन राइज हो चुका है। अब उसकी वजह से जो सन की सॉफ्ट लाइट है, उसको मैं कैप्चर करूँगा, और उसकी वजह से हम एक सन फ्लेयर को लेंगे। अब जैसा कि यहाँ पर मैं इन दो ट्रीज़ को यूज़ करूँगा, और इन ट्रीज़ को यूज़ करके सबसे पहले मैं स्टार्टिंग कैसे करूँगा अपनी वीडियो की, लाइक कि मैं सन रेज को, मीन्स कि सन फ्लेयर्स को कैप्चर करूँगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना कैमरा मैं थोड़ा सा आगे लेके आता हूँ कि आपको थोड़ा सा डिटेल में दिखे, लाइक कि कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, लाइक कि अपना कैमरा ऑन करूँगा, और सबसे पहले मैं आपको सेटिंग बताता हूँ आज की। जो मेरी शटर स्पीड है वो 1/60 है, फ्रेम रेट मेरा 60 FPS है, ISO मेरा 100 पे है, और जो मेरा अपर्चर है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, बिकॉज मैं किट लेंस का यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे अपर्चर मेरा मतलब एक जगह पे नहीं मतलब रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद सिंपली जो मेरा वाइट बैलेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब जैसा कि यहाँ पे नेचुरल लाइट में हम शूट करें बाहर, तो हमारी लाइटिंग कंडीशन जैसी चेंज होगी, तो वैसा हमारा सीन भी शिफ्ट हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने वाइट बैलेंस मैनुअल पे रखना है। जैसा कि मैं जाता हूँ मेनू में, तो मेनू में जाके आपने सेलेक्ट करना है केल्विन, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, तो आपने केल्विन यूज़ करना है। अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं, पर यहाँ पे आप मैनुअल मतलब कि यूज़ करेंगे वाइट बैलेंस को, तो काफ़ी आपको अच्छा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, सबसे पहले मैं वीडियो मोड को ऑन करता हूँ, और जो मैं फोकस यूज़ कर रहा हूँ वो मैनुअल फोकस यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अपना कैमरा ऑन करता हूँ और वाइट बैलेंस सेट कर लेते हैं, और जाता हूँ मैं, और वाइट बैलेंस मैंने मैनुअल कर लिया, ओके। सेटिंग्स मेरी प्रॉपर हो चुकी है, फोकस मैंने यूज़ किया मैनुअल फोकस, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे फोकस करूँगा, और मेरा फोकस सेट हो चुका है, और मैं सिंपली इसको ऑन करता हूँ अपनी वीडियो को। अब जैसे ही मैं अपनी वीडियो को ऑन कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि सन का रिफ्लेक्शन आ रहा है, जिसकी वजह से एक ड्रामा सा क्रिएट हो रहा है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इस चीज़ को हम कैप्चर करेंगे, ठीक है, और मैं अभी इसको कैप्चर करूँगा, और इस जितने भी हम सीन्स को आज लेंगे, इन सारे सीन्स को मैं स्लो मोशन में कन्वर्ट कर दूंगा एंड में। तो चलिए सीन को हम लेके देखते हैं। सो सेकेंड मूव हम यहाँ पे लेंगे। अब जैसा कि आपको यहाँ पे कुछ ट्रीज़ दिख रहे हैं, अब जैसा कि आपने कुछ मूवीज़ में सॉन्ग्स में देखा होता है कि कुछ सीन हम रिवील करते हैं, कुछ सस्पेंस क्रिएट करते हैं कि सीन में कि एक अटेंशन बनी रहे हमारे सीन के अंदर। अब जैसा कि अगर मैं अपने कैमरे को अगर मैं यहाँ पर रख के कुछ इस तरीके से शूट करता हूँ, ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो अगर मैं कोई भी मूवमेंट क्रिएट करता हूँ,
तो कोई भी मूवमेंट ऐसा नहीं लग रहा, अगर मैं कर्व भी करता हूँ या ऊपर नीचे भी करता हूँ तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये सिनेमैटिक है। अगर मैं इन चीज़ों का यूज़ करके, ठीक है, अपने कैमरे को सबसे पहले मैं मैनुअल फोकस पे ले लेता हूँ अपना कैमरा, और फोकस करने के बाद इसको ओके करता हूँ। अब जैसे कि इसके साथ में आके अगर मैं इसको ऊपर करता हूँ, अब आप देख रहे हैं कि एक सीन रिवील हो रहा है, ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अभी मैं आपको सारे के सारे रॉ मतलब वीडियो दिखा रहा हूँ, फिर से इसको करते हैं लाइक की, ये देखिए एक सीन रिवील हो रहा है। तो इस तरीके से आप एक सीन को क्रिएट कर सकते हैं बिना इक्विपमेंट के। तो जो भी मैं सीन्स ले रहा हूँ इनको एंड में आपको स्लो मोशन में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। तो चलिए इस मूव को करके हम देखते हैं। सो मेरी जो थर्ड लोकेशन है वो ये है। अब जैसा कि यहाँ पे दो पेड़ हैं, ठीक है, और इन दोनों पेड़ों के बीच में एक गैप है जिसको मैं यूज़ करूँगा अपने मूवमेंट को क्रिएट करने के लिए। अब जैसा कि सपोज करें कि यहाँ पे खड़ के नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे खड़ता हूँ, वीडियो को ऑन कर देता हूँ और मैं मूवमेंट लेता हूँ, ठीक है, कोई भी मूवमेंट लेता हूँ, तो नहीं लगेगा आपको कि मेरा जो कैमरा है वो सिनेमैटिक मूव ले रहा है। ऐसा लगेगा कि यार प्लेन सी वीडियो शूट हो रही है। तो हम यहाँ पे कौन सी टेक्निक को यूज़ करेंगे, जैसा कि यहाँ पे आके सबसे पहले आपने अपना फोकस सेट कर लेना है कि कहाँ पे आप अपना फोकस रखना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आप हाईलाइट रखना चाहते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं इसको फोकस में ले लेता हूँ, ओके, और वीडियो को ऑन कर देता हूँ। अब जैसा कि अगर मैं अपना कैमरा थोड़ा सा मूव करता हूँ और कुछ इस तरीके से लेके आता हूँ, तो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि एक मूव क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो जितना मैं लेंथ क्रिएट करना चाहता हूँ उतनी कर सकता हूँ आगे पीछे होके। तो इस तरीके से आपने इस मूव को लेना है। तो चलिए इस मूव को करके हम देखते हैं। सबसे पहले आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। जैसा कि सिनेमैटिक वीडियो जब भी हम शूट करते हैं तो उसमें शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड होना, मीन्स कि बैकग्राउंड ब्लर होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हर सीन मतलब एक ही जैसा चली जाए, एक वाइड सीन है तो वाइड ही चला जा रहा है और अगर बैकग्राउंड हमने ब्लर करा है तो वही हम करी जा रहे हैं, तो ऐसा करने से वो लुक नहीं आता। हमें वेरिएशन रखनी पड़ती है हर सीन में। अब जैसा कि मैंने कुछ वाइड सीन्स लिए हैं, अगर मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड ब्लर करना चाहूँ बट मेरे पास सिर्फ एक किट लेंस है, तो मैं कैसे करूँगा? सिंपली आपने अपने कैमरा को ऑन करना है और आपके पास कोई भी किट लेंस है, कैनन यूज़ करें, निकॉन है, पैनासोनिक है, मैं सोनी यूज़ कर रहा हूँ, सोनी का जो 50 किट लेंस है, इसकी मैं रेंज को ये 50 mm तक जूम हो जाता है, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इसको ऑन करने के बाद इसको फुल जूम कर लूंगा 50 mm तक, ठीक है। और 50 mm तक जूम करने के बाद अब जैसा कि इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग को मैं ऑन कर देता हूं, तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि थोड़ी डलनेस आ रही है। अब आपने क्या करना है, अब जैसा कि मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा ब्राइट करना चाहता हूँ, तो मैं ISO को कर दूँगा एटलीस्ट 160, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि इतना सही है मुझे बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिल रहा है। तो अगर आपके पास सिर्फ एक किट लेंस है तो आप किट लेंस की मदद से भी बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो जस्ट आपने लाइटिंग कंडीशन को सही से यूज़ करना है तो आप किट लेंस से भी अच्छा काम निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास प्राइम लेंस आएगा तभी आप निकलेंगे बाहर, गिम्बल आएगा तभी आप बाहर जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप नॉर्मल इक्विपमेंट्स के साथ भी वीडियोस को शूट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल मुझे अमेजिंग बैकग्राउंड ब्लर मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं 50 mm लेंस का यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए इस मूव को करके देखते हैं। तो अभी आपने देखा कि मैंने किस तरीके से इस किट लेंस का यूज़ करके इस फ्लावर को फोकस में लिया था और पीछे मुझे कितना अच्छा बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिल रहा था। तो आपने क्या करना है, जब भी अपने सिनेमैटिक वीडियोस को शूट करना है तो आपने हर सीन को अलग अलग डायरेक्शन से शूट करना है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही वीडियो शूट करें जिसमें सिर्फ बैकग्राउंड ब्लर ही आप करी जा रहे हैं, या फिर एक सीन ऐसा है कि आप वाइड एंगल का ही यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना। हर सीन में चेंजेस करने हैं तभी अगले को वो वीडियो बोरिंग नहीं लगेगी। अब जैसा कि यहाँ पे, अब जैसा कि मैंने इस सीन को मतलब कि क्लोज से शॉट करा था इस सीन को, ठीक है, इस फ्लावर को, अब मैं क्या करूँगा, लाइक की अपना कैमरा ऑन करूँगा और इन सभी फ्लावर्स को कैप्चर करूँगा स्लाइडर शॉट के साथ, लाइक की लो एंगल से, ठीक है। सबसे पहले मैं फोकस कर लेता हूँ, मैनुअल फोकस का मैं यूज़ कर रहा हूँ, और लाइक की, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और मैं यहाँ पे अब वीडियो को रिकॉर्ड कर देता हूँ, ठीक है, और वीडियो रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मुझे कितना अच्छा स्लाइडर शॉट देखने को मिल रहा है। तो आप भी इस तरीके से फेक कैमरा मूवमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास मतलब कि एक ऐसी मतलब वीडियो आप बना सकें जिसमें बहुत सारी वेरिएशंस हो, तो आपने इसी तरीके से अपनी सारी वीडियोस को शूट करना है। तो चलिए इस सीन को करके हम देखते हैं।
सो आई होप कि आपको आज की इस वीडियो में मैंने जो भी बताया है, आपको जो भी ट्रिक्स बताए हैं, आपको मदद मिलेगी इससे, तो आप कुछ सीख पाए होंगे। अगर आपने कुछ नया सीखा है इस वीडियो से तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। और यार इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करो, वहाँ भी मुझे मैसेज कर लिया करो, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये व्लॉग स्टाइल वीडियो कैसी लगी, मुझे ऐसी वीडियोज़ और लानी चाहिए, आपका क्या फीडबैक है। तो यार आप भी ऐसी फेम कैमरा मोमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट आपने अपना DSLR कैमरा यूज़ करना है, लोकेशन को यूज़ करना है, जस्ट आपने अपना कैमरा उठाना, बाहर निकल जाना है, कोई परवाह नहीं करनी यार कि कौन देख रहा है, क्या नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट आपने अपने शूटिंग की तरफ ध्यान देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी मिलूंगा ऐसे साथ, तब तक थैंक यू।